वालेकुम। बता आज हम मोटो G7 Plus उसके डिसेंबल पास करने जा सवारियां रहे बंद हो गई थी। स्पेल किसी हिट मारेंगे, ये किसी ने बैक साइड से खोलने की कोशिश करी है पहले, तो ये बैक साइड से नहीं खुलता है। हम अपने व्यूवर्स को बता दें, ये फ्रंट से खुलता है। मोटो G6 Plus जो भी से खोलना चाहे वो फ्रंट से खोले, इसके बैक साइड से नहीं खुलता है। क्योंकि एक मॉडल है मोटोरोला का, मोटो G6 Plus, वो बैक साइड से खुलता है, लेकिन ये मोटो G7 Plus जो है ये फ्रंट से खुलता है और बहुत आराम से खुल जाता है। इसको मैंने पहले से हीट दी हुई थी, अब मैंने इसे नॉर्मल हीट लगाई है। अच्छा, इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो पहले शायद किसी ने खोलने की कोशिश करी, तो उस कस्टमर ने मुझे चीज़ें भी ला के दी हैं, तो हो सकता है वो चीज़ें निकालने की वजह से भी इसकी आवाज़ ना आ रही हो। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा बोलता है कि वो चीज़ें जिसको दिया होगा उससे सही नहीं फिट हो रही होंगी, क्योंकि उसने खोलने की पहले बैक साइड से कोशिश करी, उसके बाद फ्रंट से उसने खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आया, तो उसने ऐसे ही इसे पैक करके गम लगा के टेपिंग करके दे दिया और बोला कि नहीं बन सकता ये। लेकिन जबकि मेरे पास आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये बन सकता है, तो मैंने इसकी डिसेंबल सोचा आप लोगों को करके दिखाऊं। बिस्मिल्लाह, ये अब बैटरी को निकाल रहा हूँ और पैनल की रिबिन को भी निकाल रहा हूँ इसकी। मुझे यहीं से ही फील हो रहा है कि ये जो इसके सब सामान है ये, और इसका सेंसर भी जो है, ये सारी चीज़ें ये सब लगेंगी तो ये वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इसके बैक साइड पे स्पीकर होता है, सामने ही बैक साइड पे स्पीकर लगा होता है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ से कर सकता है। पहले मेरा यही मशवरा है कि इसको यहीं से पैक करके देखा जाए, और मेरे आइडिया से ये ठीक हो जाएगा। जिसने भी खोला है उसने थोड़ी सी बेवकूफ़ी करी है, सर्विस वगैरह तो कर दी उसने, उसके बाद उसने ये सब चीज़ें नहीं लगाई, जिसकी वजह से ये पीस में आवाज़ नहीं आई फ्रंट स्पीकर के ऊपर। अच्छा, ये अच्छे से बिठाएं, ये चेक कर लें, क्योंकि ये बिठाएंगे नहीं ठीक से तो ये नहीं चलेगा स्पीकर इसका। इसको सही से बिठाएं, मैं इसे पैक करने लगा हूँ। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह पैक करने की तरफ जा रहा हूँ मैं। ये पीस जब हम पैक करें तो ध्यान ये भी रखें कि बैक साइड पे इसका शीशा है, कोई बड़ा नट ना लगा दिया जाए जिसकी वजह से इसे बैक ग्लास इसका टूट जाए, और इसके रिबिन्स वगैरह को भी अच्छे से बिठाया जाए। अभी ये मैं दोबारा खोल रहा हूँ इसे, क्योंकि इसका जो एक ये पीस है ये उठ रहा है। हो सकता है उस कस्टमर से भी ये, उस बंदे से जो रिपेयरिंग वाला, उससे ही गलती हो रही हो। मैं इसकी एक एक चीज़ को सही तरीके से देख के फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे यही गलती हो रही होगी और वो जो है फिर कर नहीं पा रहा होगा। प्रॉब्लम यही होती है इनमें। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो है ये नीचे की साइड पे जाएगा, फिर इसके बाद इसका ऊपर जो है वो एक फ्रेम लगेगा। ये पहले लगाते हैं तो ये बैठने में प्रॉब्लम करता है और स्पीकर नहीं चलेगा। फिर ये इसको बिठाया जाए सही से। अब देखें ये एक्यूरेट बैठ गया है, अब ये कहीं से नहीं उठ रहा है। बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से इसको रिपेयर करें, क्योंकि अक्सर लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं। मसला छोटा सा होता है और वो मसला बड़ा से बड़ा बन जाता है, कि किसी और चीज़ को छेड़ दिया जाता है। लोग पहले एक्यूरेसी से सब चीज़ों को चेक करें, फिर उसके बाद चेक करने के बाद फिर वर्कआउट करें उसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर। क्योंकि तकरीबन तमाम मोबाइल जो हैं वो रिपेयर हो सकते हैं, भले उनमें किसी IC का मसला हो या जो भी हो। मोबाइल रिपेयर करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई भी जैसा भी मोबाइल हो। बस उसमें थोड़ी सी मेहनत ये लगती है कि हम जगह फॉल्ट बिल्कुल सही पकड़ें, और फिर फॉल्ट को जो है वो बनाने में ये ना करें कि मतलब फॉल्ट माउथ पीस का आ रहा है और हम माउथ पीस की सर्विस करें बिना उसे रिप्लेस कर दें। पहले माउथ पीस के नीचे जैसे कि एक रबड़ लगी होती है, उस रबड़ को साफ़ करें,
फिर चेक करें, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मोबाइल जो है वो आपको बिल्कुल सही तरीके से वर्कआउट होगा और मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब मज़ीद प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी। अब मैं इसको सर्विस कर रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ, गम पहले से किसी ने लगाई हुई थी इसके अंदर, तो ये गम साफ़ करेंगे ताकि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए मोबाइल। इसमें जो भी गंदगी है वो सारी जो गम लगी हुई है, नई ताज़ी गम लगी है, मेरे ख्याल से ये कस्टमर अभी शायद कुछ देर पहले या कुछ या कल दिखा के किसी को आया होगा। ये सारी गम को अच्छे से साफ़ कर लें पूरी प्रॉपर करके, फिर पैनल को बिठाएं, क्योंकि वो फिटिंग भी अच्छी नहीं आती है वरना। ये मुझे 100% श्योर हूँ कि ये सब सामान लगने के बाद इसका माउथपीस, एयर पीस और हर चीज़, क्योंकि बोर्ड बैठ गया है हर अपनी जगह पे जाके, तो ये सब चल गई होंगी, क्योंकि मैं इसकी रीडिंग, जो रीडिंग है इसकी, वो ऊपर से ही मैं पहचान गया हूँ कि पानी कहीं नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर। अगर पानी हल्का फुल्का गया भी होगा तो वो जो पहले जिसने खोला था उसने सर्विस कर दी है, लेकिन उसने ये बैठाने की कोशिश करी होगी, सामान नहीं लगाया ना बैठाया। ये पीस मेरे पास पहले भी आ चुका है ऐसी कंडीशन के ऊपर, और इनमें प्रॉब्लम यहीं से आती है कि लोग उसे पैक सही से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इसके स्पीकर्स और माउथ पीस नहीं चलते हैं। वैसे पैक अच्छे से करा जाए इसकी सारी चीज़ें वर्क करेंगी। अब इसके अच्छे से सर्विस कर लेते हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर आप लोगों का भी कोई मोबाइल में प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और किसी को कोई मोबाइल रिस्टोर करवाना है तो वो भी हमें बता सकता है कि ये मेरा मोबाइल है, हमें TCS वगैरह कर सकते हैं मोबाइल अपने, हम आपको जो भी होगा उस मोबाइल को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब ये कंडीशन वही होती है कि लोग, कुछ लोग मोबाइल हमें भेजते भी हैं तो उनका मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह बना के भी दे देते हैं हम, लेकिन कंडीशन ये होती है कि ख़र्चे के ऊपर बात आ जाती है थोड़ी सी, क्योंकि अक्सर मोबाइलों के ऊपर थोड़ा सा ख़र्चा जो है वो ज़्यादा आ रहा होता है, तो हम कस्टमर को यही बोलते हैं कि भाई आप नहीं बनवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कुछ कस्टमर होते हैं जिनका डेटा होता है मोबाइल के अंदर, उनको बनवाना लाजमी होता है, तो वो फिर बोलते हैं कि बना के दे दें आप हमें, तो हम बना देते हैं। ये सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। अब इस पर ब्रश मार लेंगे हम, और ब्रश मार के बिल्कुल एक्यूरेसी कर देंगे, इसे सफाई से बिल्कुल साफ़ कर देंगे। तो मैं आपको बता रहा था ना, जैसे आप अगर कोई वीडियो वगैरह या फिर कोई आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है मोबाइल की, आप रिपेयरिंग करते हैं तो बेझिझक हमसे आप पूछ सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें, ताकि हम मज़ीद आप लोगों को नॉलेज दे सकें मोबाइल के हवाले से। और ये मैं पैनल प्लग इन कर रहा हूँ, उसका बैटरी भी प्लग इन कर दिया, पीस अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो गया, क्योंकि मैंने पैनल उतारने के बाद पैनल को चेक नहीं